मंडल जैन नालिकर ने रविवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिया कि शेष बचे कामों को तत्काल पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि 31 अगस्त तक बाल संस्थान में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का संचालन आरंभ किया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर महिम मित्तल एवं कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के जीएम एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त जैन नालिकर ने बाल संस्थान की प्रत्येक तल पर जाकर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य के साथ बैठक करते हुए अस्पताल के संचालन, उपकरण एवं अन्य संसाधन के बारे में जानकारी हासिल की। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ के नियमानुसार शीघ्र भर्ती कर ली जाए तथा HFNC एवं वेंटिलेटर आदि के लिए तत्काल प्रस्ताव बनाकर प्रेषित किया जाए, जिससे शीघ्र अस्पताल का संचालन किया जा सके और COVID-19 के मरीजों का समुचित इलाज किया जा सके। ये डायलिसिस हो जाएगी। यहाँ पर कितने बेड रखेंगे? डायलिसिस 10। ये वाले कमी हो जाएगी, ये सबसे ऊपर हो जाएगी, 30 वाले के ऊपर। ये पहले कमी ये पेशेंट की कैसे रहेंगे यहाँ? अभी तो वही दिक्कत पड़ेगी, पेशेंट आने नहीं वाले। आईसीयू में ये कहेंगे वो नॉर्मल जिससे अभी आए उसी जिससे जी सर, ये एक्चुअली वो इम्प्रूव गैस पाइपलाइन है, जो उस पर काम हो रहा है, कहते हैं जो बाद में भी हुआ कि नहीं करना कर रहा है। अभी नहीं, ये फंक्शन हो जाएगा।